हाय फ्रेंड, दिस इज अमित और आप देख रहे हैं एडमिशन एकेडमी। यहाँ पे सीएसएबी काउंसलिंग के लिए करजेंट अपडेट आया। इन्फॉर्मेशन एलिजिबिलिटी और फी पेमेंट के रिगार्डिंग क्या एडजस्ट होगा जो पहले आप फी पे कर चुके हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे सीएसएबी होता क्या है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे को पता ही नहीं है, वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। सीएसएबी काउंसलिंग जोसा के बाद होता है, जिसमें कि जोसा में सीट बच गए हैं उनको दिया जाता है। इसमें दो राउंड होते हैं, जिसके लिए हम डिटेल इन्फॉर्मेशन वीडियो अभी डालेंगे। बहुत पहले हम ऑलरेडी बता चुके हैं, इसका शेड्यूल आ चुका है, उसको भी आप देख सकते हैं पिछले वीडियो में। तो चलिए यहाँ पे बात करते हैं। एक फी का नोटिस आया, फी टाइप फॉर एलिजिबल स्टूडेंट, उसके बारे में हम डिटेल आपको जानकारी देंगे, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन है। बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैं जो पहले पेमेंट किए उसका क्या होगा, रिफंड मिलेगा कि नहीं, मेरा सीट तो कैंसिल नहीं हो जाएगा, डर लग रहा है। बहुत सारा बच्चे को प्रॉब्लम हो रहा है इसमें कि पार्टिसिपेट करें या ना करें, तो हम सारा इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। तो सबसे पहले फी टाइप का बात करते हैं, फिर एलिजिबल स्टूडेंट का बारे में बात करेंगे। तो इसमें देखिए 4,000 प्रोसेसिंग फी है, वो जोसा में भी था, वो बताया नहीं, बट वो कट जाता है कॉलेज में जब जाता है पैसा, तो 4,000 कट के ही जाता है। इसी तरह से फिर IAF इंस्टीट्यूट एडमिशन फी 1 जो है वो 40,000, जनरल EWS OBC के लिए और SC ST PWD के लिए आपका लगेगा 20,000। इसी तरह से IAF 2 जो है इंस्टीट्यूट एडमिशन फी, जैसा कि जोसा में दो फी है, एक आपको सीट जब भी मिला, फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड थर्ड राउंड जब भी मिला उस समय देना, और एक है राउंड 6 के बाद देना। उसी तरह यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के समय एक लगेगा और एक सीट मिलने के बाद लगेगा, और उसमें डर ये भी रहता है कि रिफंड मिलेगा या ना मिलेगा। उसके लिए हम एक वीडियो बनाएंगे इसके बाद, उसमें बताएंगे रिफंड पॉलिसी क्या रहता है। बट एक बार आप रजिस्टर करते हैं गाइडेंस से मेरे काउंसलिंग का, जिसका कि स्क्रीन पे आप देख सकते हैं डिटेल, तो उससे आपको ये बेनिफिट होगा कि आप ना तो अच्छे सीट लूज करेंगे जो कि जो समय मिल चुका है आपको, इससे बेहतर पॉसिबल होगा वो मिलेगा आपको, और आप इससे बच सकते हैं कि नेक्स्ट ईयर के लिए ड्रॉप ना करना पड़े आपको। तो ये सारे चीजों के लिए हम आपको हेल्प करेंगे, ताकि आप बेस्ट कॉलेज में एडमिशन ले सकें। और सीएसएबी करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एक लॉटरी की तरह होता है, आप जो नहीं सोच पा रहे वो भी कॉलेज मिल जाएगा, मतलब अनएक्सपेक्टेड थिंग पॉसिबल है यहाँ पे, जिससे कि आपको ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल सकता है। तो चलिए आगे बात करते हैं। 2 जो है वो 32,000 और 12,000 है। इसी तरह से सीएसएबी का जो पहले रजिस्ट्रेशन के समय जो लगेगा एनरोलमेंट फी, वो लगेगा SRPF मतलब 4,000 और IF1 मतलब 40,000 या 20,000। तो इसको कंसिडर करके यहाँ पे देखिए, अगर आप जोसा में पेमेंट कर चुके हैं तो उससे 7,000 काट के यहाँ पे एडजस्ट किया जाएगा, 7,000, 4,000 जो है प्रोसेसिंग फी, और विड्रॉ अगर आप करते हैं तो 3,000 उसका। हम बात करने वाले हैं कि मेरे काउंसलिंग गाइडेंस में किस तरह से आपको हेल्प मिलेगा, उसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हम आपको यहाँ पे देने वाले हैं। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें, ताकि आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो यहाँ पे आपको जितने भी काउंसलिंग करते हैं अक्रॉस इंडिया, सारे के लिए हेल्प दिया जाएगा। डिपेंड करता है कौन से काउंसलिंग लेते हैं, उस पर आपका चार्ज तो वो फिक्स नहीं, एक बार आप कॉन्टैक्ट करते हैं तो आपको डिटेल में बताया जाएगा। इसमें सारे तरह के काउंसलिंग आप साइड बाई चेक कर सकते हैं, जोसा, सीएसएबी, जगदरी, जग चंडीगढ़, मणिपाल, SRM, अमृता, बिटसेट, जितने भी हैं सब कुछ, OJEE, WBJEE सारा कुछ इसमें आता है। तो आप किसी भी काउंसलिंग के लिए आप मेरे से जुड़ सकते हैं। कॉलेज सिलेक्शन, कॉलेज कंपैरिजन, चॉइस फिलिंग कैसे करना है आपको, उसके बाद आपका प्रायोरिटी ऑर्डर क्या होना चाहिए, सारा कुछ हम आपको डिस्कस करेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात है मेरे गाइडेंस का, वो 24/7 आपको हमेशा, आप कभी भी मेरे को मैसेज कर सकते हैं कॉल के लिए, सुबह 10 बजे से मिडनाइट तक हम अवेलेबल रहेंगे। आप कभी भी कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, ये चीज़ आपको बाकी के साथ नहीं मिलने वाला, क्योंकि वो लोग आपसे वेबसाइट पर पैसे लेंगे और 4-5 दिन बाद कॉन्टैक्ट करेंगे, बस एक चॉइस फिलिंग लिस्ट दे देंगे। तो चलिए अब बात करते हैं कितना पे करना पड़ेगा। टाइप 1, 2, 3, 4, 5 जो भी है उनको 44,000 पे करना पड़ेगा। जनरल EWS OBC के लिए और SC ST PWD के लिए आपको 24,000 करना होगा। टाइप 1 से 5 किस तरह के स्टूडेंट होते हैं वो आगे हम दिखाएंगे वीडियो में आपको। तो अभी अगर बात करें आप टाइप 6 का, तो 4,000 आपको पे करना है, आदर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं या फिर अनरिजर्व से हैं। जरा टाइप 7 में 11,000 करना है, टाइप 8 में 8,000 करना है, टाइप 9 में 11,000 करना है, सेम ही है दोनों केस के लिए, बस टाइप 1 से 5 वालों के लिए इधर 44,000 है उधर 24,000। इसके बाद अगर आप बात करें कि कैंडिडेट जिसका कैटेगरी चेंज किया गया है SC ST PWD से जनरल या EWS या OBC, उनको 20,000 एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, क्योंकि पहले वो 20,000 ही किए थे 40 के बदले। इसके बाद जो 32,000 और 12,000 है वो आपको पे करना पड़ेगा इंस्टॉलमेंट फी, जैसे ही आपको सीट मिलता है सीएसएफबी काउंसलिंग में। उसके बाद जो टाइप 6 टाइप के स्टूडेंट है उनको जरूरत नहीं है IF2 पे करने का, उनको कुछ भी जरूरत नहीं है पे करने का, क्योंकि वो ऑलरेडी पे कर चुके हैं। तो टाइप 6 कौन है, यहाँ पे आप देखिए टाइप 1 हुआ है जो कि पार्टिसिपेट ही नहीं किया था जोसा में, भैया मेरा रैंक खराब था हम क्या करते पार्टिसिपेट करके, मेरा 75% क्राइटेरिया था बट हम नहीं किए हैं, वो भी कर सकते हैं। जो पार्टिसिपेट किए सीट नहीं मिला वो भी कर सकते हैं, या फिर किए बट पैसा नहीं दिए हैं वो भी कर सकते हैं। इस तरह से सारे तरह के बच्चे कर सकते हैं, जो एग्जिट हुए हैं वो भी कर सकते हैं। टाइप 6 जो है वो जोसा में सीट मिल चुका है, पैसा पे हो गया, सारा एडमिशन कंफर्म करा लिए, बस कॉलेज जाके नहीं लिए एडमिशन, तो वो यहाँ पे पार्टिसिपेट करके, और उनको एक भी पैसा अलग से देना नहीं है, वो जोसा वाला ही इसमें ट्रांसफर हो जाएगा। इसके बाद बात करें टाइप 8 का, टाइप 9 का, 10 का, देख सकते हैं आप सारा यहाँ डिटेल साइड वाइज दे दिया गया है। टाइप 6 वाले बच्चे ध्यान दें, उधर सीट कैंसिल भी हो सकता है इधर आके सीएसएबी में, यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिकली गेट कैंसिल,
जैसे ही आपको कोई नया सीट मिलता है, कुछ बच्चे गलती क्या करते हैं कि जानबूझ के या गलती से कुछ भी गलत कॉलेज भर देते हैं, जो कि उनको मिल जाता है, और बाद में घर वाले परेशान कि पहले अच्छा सीट मिला था अब खराब हो गया, ये क्या हो गया, अब इस बार रिफंड भी नहीं मिल सकता उस केस में आपको, और एडमिशन भी नहीं ले सकते, तो क्या करेंगे, आपको ड्रॉप करना पड़ेगा नेक्स्ट ईयर के लिए। तो ये बहुत ही डरावना चीज होता है, बहुत सारे बच्चे इसमें फंस चुके हैं पिछले सालों में, इसलिए बहुत लोग एडवाइस करेंगे आपको कि मत कीजिए इस केस से भी, ये रिस्क है, बट इसको अगर अच्छे से किया जाए तो इसमें बेनिफिट बहुत ज्यादा मिलता है। तो प्लीज आप इसको अगर करना चाहें तो मेरे गाइडेंस से जुड़ सकते हैं, स्क्रीन पर डिटेल आपको दिख जाएगा, एक बार कांटेक्ट करते हैं, एक नॉमिनल चार्ज लगेगा, उसके बाद अभी से एडमिशन तक हम हमेशा कनेक्टेड रहेंगे और सारा प्रोसेस के लिए गाइड करेंगे, रजिस्ट्रेशन से लेकर एडमिशन तक, चॉइस फिलिंग, डिसीजन मेकिंग, सारा प्रोसेस, डॉक्यूमेंट अपलोड, टेस्ट 12। तो अगर आपको चाहिए आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो ये था इन्फॉर्मेशन आपका CSAB काउंसलिंग के रिगार्डिंग फी टाइप और एलिजिबल स्टूडेंट के बारे में। बहुत जल्द हम रिफंड पॉलिसी में भी बात करेंगे और पूरा प्रोसेस क्या होता है CSAB काउंसलिंग का वो भी बताएंगे इसी चैनल पे। तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें।